ओम नमः शिवाय, प्रणाम। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में आपको शैतान जिन के बारे में एक मंत्र बताएंगे और इनकी साधना के बारे में विद्या बताएंगे। जिन जिन्नात की सिद्धियाँ करने पर साधक के पास में इतनी बड़ी शक्तियों का आभास होता है कि वो अपने आप को कुछ अहम की भावना से जीना चाहता है। तो जिन जिन्नात की शक्तियाँ होती हैं, बहुत ही पावरफुल शैतानी शक्तियाँ होती हैं, किसी को मारना है, किसी को उठाना है, कुछ भी करना है ये कर देती हैं। कहीं से कोई सॉरी करवाना है, कहीं से कोई भी सामान इधर उधर करवाना है तो ये कर देती हैं। शमशान की तरह ये साधना की जाती हैं और एकांत स्थानों में की जाती है, जहाँ पे बिल्कुल वीराना क्षेत्र हैं, कोई खंडर है, कोई कब्रिस्तान है, ऐसी जगहों में आप जाके इनको करते हैं तो वहाँ पर आपको ऐसी साधनाएं, इनमें सिद्धियाँ मिल जाती हैं। ये साधना ज़्यादातर रात्रिकालीन में की जाती है और इनका विशेष समय होता है 12 से 3 के बीच में, तो ये साधनाएँ जल्दी सिद्ध हो जाती हैं। इन साधनाओं को करने के लिए आपको 2-3 घंटे का समय चाहिए अपने पास में। अगर 2-3 घंटे आप इनको समय देते हैं तो हो सकता है एक दिन में भी आज आपको सिद्धि मिल जाए, हो सकता है 3 दिन में भी मिल सके और हो सकता है 1-1.5 महीने में भी मिल सके। लेकिन आपकी भावना अगर सही है तो आपको जितना जल्दी सिद्धि मिलेगा वो आपकी भावना पर निर्भर करेगा। आपसे निवेदन है, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पे आपको एक जिन का मंत्र बता रहे हैं, इनकी साधना रात्रिकालीन में करनी है और साधना रात्रिकालीन में 2-3 घंटे तक इस मंत्र का जप करना। अगर आपके पास में तस्बीह यानी माला है तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी आप इस मंत्र को याद कर लीजिएगा। 2 लाइन का मंत्र है और आपको इस मंत्र का जप करना है। जब करेंगे तो आपके आसपास से जहाँ कहीं भी कोई शक्तियाँ हैं वो आपकी तरफ खींची आएगी और आपसे सवाल जवाब भी करेगी, आपसे पूछ भी सकती है, आपसे कुछ भी वार्तालाप कर सकती है, हो सकता है आप पर अटैक करने की भी कोशिश कर सकती है। इसलिए आपको क्या करना है कि साधना में बैठने से पहले आपको सुरक्षा कवच, सुरक्षा घेरा वगैरह रखना है, उसके बाद में ही साधना करें। ये साधनाएँ बहुत पावरफुल होती हैं और किसी के बातों में ना आए और सही तरीके से साधना करें। मंत्र सुन लीजिएगा आप, ताबू ताबू मालिक अलजिनी या अरुशो अलजिनी या खोजी अलजिनी या शरीफतो अलजिनी। ये मंत्र आपको लिखकर भी बता दिया जाएगा, इस मंत्र का आपको जप करना है। ये बहुत विशेष मंत्र है, अगर आप इसका आधे घंटे भी एकांत जगह में अगर आप जप कर रहे हैं तो बिना सुरक्षा के किए तो वो कोई भी शक्तियाँ जो होगी वो आपके पीछे पड़ जाएगी और हो सकता है आपको नुकसान पहुँचा दें। इसलिए आपको इसी शक्तियों से बचना है। बचना बोले तो साधना करनी है लेकिन सुरक्षा के साथ में करनी है, बचना यही है। क्योंकि बिना बचाव के आप साधना करेंगे तो आपको जीवन में खतरा हो सकता है, आपके ऊपर हावी हो सकते हैं, आपके घर में किसी को ये शक्तियाँ लग सकती हैं, किसी के ऊपर हावी हो सकती है, आप पर हो सकती हैं, ऐसी बहुत सारी ऐसी शक्तियों से घटना रहती है। अगर आप किसी को बताते समय भी इस मंत्र को अगर कुछ ज़्यादा बोलने लग गए तो भी ये शक्तियाँ होती हैं वो आपके आसपास में मंडरानी शुरू हो जाती हैं। ये बहुत पावरफुल शक्तियाँ होती है, अगर आप इसको करेंगे तो आपको एक दिन में पता चल जाएगा। बहुत ही अच्छी साधनाओं में भी आप इसको काम ले सकते हैं और बुरी साधनाओं में भी ले सकते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको किस प्रकार से काम में ले सकते हैं। तो आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सिद्ध होने के बाद में आपके सारे ही काम इस मंत्र से हो जाएंगे। हर हर महादेव।